आज मैं बताऊंगा आपको एमआरआई विनोग्राफी की फिल्मिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने केस ओपन करना है 3D में, देन राइट क्लिक करके 51 mm की थिकनेस बढ़ाएंगे, देन साइज पे क्लिक करके बैच ओपन करेंगे और सुपीरियर सेजिटल साइनस और यहाँ तक हमारी जुगलर वेन जाती है। थर्टीन कट्स लेंगे हम, थोड़ी सी सिमेट्री करेंगे, स्टार्ट कॉपी टू फिल्म शीट फिल्मिंग, 6x5 का फॉर्मेट लेंगे, जूम करेंगे, ये जो हमारी एक्सेल की फिल्मिंग है वो रेडी हो गई है। देन दोबारा 3D में जाएंगे और अब हम कॉर्नल की प्लानिंग करेंगे एक्सेल पे, यहाँ से हमारा सुपीरियर साइनस स्टार्ट होता है और जहाँ पर फिनिश होता है। 15 कट्स, स्टार्ट कॉपी टू फिल्म शीट, देन दोबारा क्लोज, कॉर्नर पे जाएंगे, वर्टिकल रेंज राइट टू लेफ्ट जाएंगे हम इसमें, यहाँ से हमें साइनस दिखना स्टार्ट होता है और लेफ्ट में जहाँ पे साइनस हमें दिखना बंद होता है। 15 कट्स इसके लेंगे, स्टार्ट कॉपी टू फिल्म शीट, हमारी एक्सेल की फिल्म रेडी ऑलरेडी, तो वो कॉर्नर पे डबल क्लिक करके इसको जूम करेंगे, साइज को जूम करेंगे और इस फिल्मिंग को सिलेक्ट करके 5x6 का फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, थोड़ी सी विंडो हम सेट करें। ये जो हमारी विनोग्राफी की फिल्म है वो रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम एक VRT देंगे, उसके लिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। इसको हम क्लोज करेंगे, व्यू में जाएंगे, हमें इसके नीचे एक ऑलरेडी मिलेगी ऐसे वाली, ठीक है जी। तो अभी हम दोबारा 3D में जाके उसी को ओपन करेंगे, ये देखिए मैंने बीप पर क्लिक करा हुआ है, तो इसकी हम थोड़ी सी कटिंग करेंगे क्योंकि इसमें हमने सिर्फ साइनस दिखाने हैं, जो इसमें एनजीओ की भी थोड़ी थोड़ी आई हुई है इसको हम कटिंग करेंगे। मैंने ऑलरेडी कटिंग करी हुई थी, वो साइड में हो गई है, इसको थोड़ा डिफ्यूज़ करेंगे विंडो को, अभी मैं इसको दोबारा कटिंग स्टार्ट करूँगा। कटिंग करने के बाद मुझे, मैंने ऑलरेडी सेव करी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। कटिंग करने के बाद हमें ऐसा मिलेगा, तो आप इस पे एनोटेशन कर सकते हो। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते। यदि आपको फाइंडिंग दिख रही है तो फिर आपको एनोटेशन करना बनता है।